मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये ऑडियो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन सीरीज से है और टॉपिक है मैं कौन हूँ। इस मेडिटेशन को करने के लिए सीधे बैठ जाएं या लेट जाएं, अपना ध्यान अपने भीतर के चैतन्य में स्थिर करें। आंखें बंद कर लें और भीतर की परम शांति में गहरे उतरें। मन में अगर विचार चल रहे हों तो कुछ देर भस्त्रिका करके विचारों से मुक्त हो जाएं। जोर से श्वास लें और छोड़ें। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। भीतर के चैतन्य के प्रति जाग जाएं। ये जो भीतर का खालीपन है, ये आपका असल स्वभाव है। आओ इस अंतरतम के कुछ गुणों से परिचित होते हैं। इसे आप चैतन्य कहें, आत्मा कहें, अंतरतम कहें, घट घट में छिपा परमात्मा कहें, एक ही बात है। जिससे है चेतन जग सारा, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, क्या कहकर वंदन करूं उसे, वह मेरा ही अंतरतम है, वह मेरा ही
अंतरतम है। हे ईश्वर जगत अभिन्न अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ ईश्वर शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। दोनों हाथ जोड़कर अपने भीतर के इस परम चैतन्य की वंदना करें। ये चेतन सत्ता जो आपके भीतर है, ये पूरी ब्रह्मांड का जीवन स्रोत है। इससे हमारा सर्वस्व जुड़ा हुआ है। हमारी सांसें इसी से हैं, हमारा जीवन इसी से है। इस चैतन्य को नमन करें। मेरा मुझको नमन है। वो मुझसे दूर कहां, मैं उससे दूर कहां, मेरे और मेरे बीच में कौन सा भेद है। हाँ, मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। नमन है मेरा अपने इस चैतन्य को, मेरा नमन है। अपने इस परम चैतन्य की मैं वंदना करता हूं। मैं ही हूं, मैं अपनी ही वंदना करता हूं। है गगन सरीखा, वह व्यापक फिर भी जग से हरि है न्यारा। है निर्मल शुद्ध अरूप मगर, जो भी दिखता प्रभु है सारा। अब रूप कहो कि अरूप कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ गगनम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। मैं आकाश की तरह
व्यापक हों। कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं ना हूं। कण कण में, हर जीव में, पत्थरों में, जल में, वृक्षों में, प्रकृति के कण कण में, हर ग्रह उपग्रह, सितारे, आकाश गंगाओं में मैं व्याप्त हूं। अपने भीतर के चैतन्य का ये विराट रूप अनुभव करें। ये तुम हो, अपनी इस विराटता का पूरी तरह से अनुभव करें। मैं इस देह में सीमित नहीं। हर देह में मैं ही व्याप्त हूं। सृष्टि के कण कण में मैं व्याप्त हूं। ये परम चैतन्य जो आकाश की तरह है, ये मैं हूं। असीमित रूप है मेरा। इस पृथ्वी के कण कण में व्याप्त हूं मैं। मिट्टी में, जल में, आकाश में, धरती के भीतर बाहर, पूरे सौर मंडल में, हर ग्रह उपग्रह में, पूरी आकाश गंगा में, अपने आप को फैलता हुआ महसूस करें। मैं विराट हूं। इस देह तक सीमित नहीं, हर देह में मैं ही प्राण बनकर जीवित हूं। मैं हृदय बनकर धड़क रहा हूं, श्वास बनकर चल रहा हूं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं नहीं। कोई ऐसा हृदय नहीं जहां मैं नहीं धड़कता। ये पूरा ब्रह्मांड मेरा व्यापक स्वरूप है। सब जगह व्यापक होकर भी मैं सबसे अलग हूं।
सबके भीतर और सबसे न्यारा। मैं निर्मल हूं। कोई पाप पुण्य, कोई कर्म अकर्म मुझे छू भी नहीं सकते। मैं शुद्ध हूं, परम शुद्ध। अरूप हूं, फिर भी हर रूप में समाया हूं। जो दिखता है वो भी मैं हूं, और जो नहीं दिखता वो भी मैं हूं। पेड़ का तना भी मैं, पत्ते भी मैं, फल भी, और जड़ भी। ये मेरा ही विस्तार है। हर वृक्ष में, पशु पक्षियों में, हरेक के नेत्रों से मैं ही झांकता हूं। जितने भी पशु पक्षी हैं सबके भीतर मैं समाया हूं। चिड़िया, काग, कबूतर, बाज, छोटे और बड़े हर पक्षी में, हर पशु में, शेर, हिरन, गीदड़, हाथी, बारहसिंघा, खरगोश, बंदर, हर वृक्ष में, चीड़, देवदार, सागवान, शीशम, पीपल, नीम, हर रूप में मैं ही समाया हूं। ये मेरा ही विस्तार है। सभी इंसानी रूपों में मैं ही समाया हूं। मां बनकर ममता लुटाता हूं, पिता बनकर ताकत देता हूं, बच्चा बनकर महकता हूं, खिलखिलाता हूं, हंसता हूं, खेलता हूं, भाई बहन बनकर लाड करता हूं। ये मेरा ही व्यापक रूप है।
हर रूप में मैं अरूप समाया हूं। ये रूप अरूप मेरा ही खेल है। मैं परम व्यापक हूं। इस देह तक सीमित नहीं, असीमित हूं। सब मुझ में है, मैं सब में हूं। अपनी चेतना को परम विस्तार होता हुआ महसूस करें। मेरे भीतर जो चैतन्य है यही सृष्टि के हर कण कण में समाया है। ये मैं ही हूं। सुख दुख का मुझको पता नहीं, घटना बढ़ना मैं क्या जानूं, है आद नहीं है अंत नहीं, शाश्वत अनंत मैं हूं जानूं। सब कहते जिसको साक्षी अहो, वह तुम ही हो तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो तुम ही तो अहो। अथ साक्षी शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। मेरा ये परम विराट रूप हर जगह फैला है। मेरे लिए कैसे सुख और कैसे दुख, क्या घटना और क्या बढ़ना, क्या आदि और क्या अंत, मैं शाश्वत हूं, अनंत हूं। जिसे सब साक्षी कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, तथाता कहते हैं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। तन से मन से या वाणी से सब कर्म
शुभ अशुभ होते हैं, लेकिन वे मेरे नहीं, ना वे मेरी आत्मा को छूते हैं। आत्मा सबका दृष्टा समझो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ दृष्टा शरणं गच्छामि, अवधूतं शरणं गच्छामि। इस तन से जिसमें मैं अभी व्यापक रूप से मौजूद हूं, इस मन से या वाणी से सभी शुभ अशुभ कर्म होते हैं, लेकिन वे मेरे नहीं, ना वे मेरी आत्मा को छूते हैं। क्योंकि मैं केवल दृष्टा हूं, मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी भोगता नहीं। कोई कर्म मुझ तक नहीं पहुंचता, कोई शुभ या अशुभ मेरे लिए नहीं, मैं केवल दृष्टा हूं। हर कर्म का देखने वाला, लेकिन हर कर्म से न्यारा। आकाश की तरह मन वाणी से परे हूं मैं, शरीर के भीतर हूं पर शरीर नहीं। ये मेरा व्यापक रूप है, मेरे इस दृष्टा स्वरूप को मेरा नमन है। एक बार फिर दोनों हाथ जोड़कर अपने भीतर के इस परम चैतन्य को नमन करें, मेरा मुझको नमन है, मेरा मुझको प्रणाम है। मैं सत चित आनंद हूं।